अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग बना रहे हैं ओल्ड दिल्ली का फेमस मोहब्बत का शरबत और मोहब्बत ए शरबत। और रमज़ान के महीने में स्पेशली इफ्तार के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है वाला ड्रिंक। तो चलो आप लोग के साथ भी मैं शेयर करती हूँ आज। तो मोहब्बत का शरबत बनाने के लिए जो भी चीज़ें मुझे चाहिए मैंने अरेंज करके टेबल पर रख लिया है। और उसके अलावा यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वाटरमेलन सीड, शुगर, तरबूज, रूह अफ़ज़ा और चिल्ड मिल्क 1 लीटर एंड आइस क्यूब्स तो लाजिम चाहिए। ठीक है, तो चलो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ फुल फैट चिल्ड मिल्क और उसके अंदर मैं अभी डाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा को। तो आपको कलर से पता चल जाएगा कि रूह अफ़ज़ा कितना ऐड करना है। अगर आपको थोड़ा सा फीका लगे तो थोड़ा सा शक्कर ऐड कर देना। ठीक है, रूह अफ़ज़ा दूध में अच्छे से मिक्स होने के बाद अभी मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। अगर आपको चीनी यूज़ करना पसंद नहीं है तो आप पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जब तक ये शुगर के ग्रैन्यूल्स अच्छे से घुल नहीं जाते मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, तो मोहब्बत का शरबत स्पेशली ओल्ड दिल्ली के गलियों में फेमस है। तो आज मैं घर पर ट्राई कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई करना, इफ्तार में बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने शुगर को अच्छे से डाइल्यूट करके साइड में रख लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ तरबूज को। तो मुझसे नहीं हो पा रहा था कट करना, थोड़ा हार्ड था तो भैया ने हेल्प किया है कट करने में। माशाल्लाह से यहाँ पर तरबूज का कलर तो चेक करो, इतना अच्छा निकला है रेड कलर। अभी बस तरबूज को छोटे छोटे पीसेस करके ना शरबत में डाल देना है। शरबत में वाटरमेलन सीड्स को भी ऐड कर रही हूँ और उसके अलावा बनाना को छोटे छोटे पीसेस करके भी डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है देन यू कैन जस्ट स्किप इट। बस अभी इसमें वाटर क्यूब्स डाल देते हैं। तो एक बार इन सारे चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना तो बस बन गया है दिल्ली का फेमस मोहब्बत का शरबत। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो डेफिनेटली ये वाला शरबत को लाइक करेंगे क्योंकि इसमें वाटरमेलन है, फिर बनाना है और कलर देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और मिल्क भी है तो काफ़ी हेल्दी भी है। तो आप लोग ज़रूर बनाना स्पेशली इफ्तार के टाइम पर। ठीक है, यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और मेरा रिएक्शन तो चेक करो, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। तो आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा ये वाला वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।